मैं ना बहुत बचपन से ही काम करना शुरू कर दिया था मैंने बहुत सक्सेसफुल लोग देखे बहुत एजुकेटेड एंड एंड सक्सेसफुल रिच पीपल वो पूजा पाठ नहीं करते बट वे अपनी जिंदगी में खुश है तब मेरे मन में बड़े बार ये सवाल आता था कि यार ये तो मंदिर नहीं जाता ये मंदिर जाता है देखो इसकी लाइन भी अच्छी है बट ये मंदिर नहीं जाता ये पूजा भी नहीं करता बट इसकी लाइन बड़ी सही है ये पूजा पाठी पूजा पाठ आपके मेंटल पीस के लिए टू बी वेरी ऑनेस्ट शुरुआती अगर चीजें कहें बाकी आप एकदम ही हैवी पूजा में जाते हैं तो ऐसे आपके मंत्र भी होते हैं देवताओं को मनाना जैसे हम कहते हैं सिद्धियां भी होती है स्पिरिचुअलिटी में मेडिटेशन के थ्रू आप जो खास कर हनुमान जी के लिए अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हाँ। के वो आपको सिद्धियां देते हैं तो वो सब अलग है वो बहुत ही आप एक्सट्रीम में जब जाते हो पर अगर जनरल पूजा पाठ रिचुअल्स की हम बात करें देखिए गीता जी में भगवान के कर्म कर फल की चिंता मत मैंने आप भगवान को मानो नहीं मानो आप कर्म करो वो आपको फल दे अगर आप मेहनत कर रहे हो अच्छे कर्म कर रहे हो आपकी काम ही आपका पूजा है सब कुछ है तो भगवान आपसे काम छीनेंगे नहीं वो ये नहीं बोलेंगे इतने मैं हमेशा कहती भगवान इतने पार्शियल नहीं है कि एक जी जान से मेहनत कर रहा है बस क्योंकि वो भगवान को नहीं मानता और एक है जो मेहनत उतनी नहीं कर रहा पर भगवान को मानता भगवान नहीं 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 इसको सफलता देता हूँ इसको चाहिए भगवान नहीं करेंगे वो सफलता तो उसी को देंगे जो मेहनत कर रहा है जो काम कर रहा है जो कर्म कर रहा है अपने उस चीज में वो ऑनेस्ट है अपनी मेहनत कंसिस्टेंसी पूरी रख रहा है मैं कहती हूँ भगवान को मानना नहीं मानना कब आप पे इफेक्ट करता है कि जब आप फेलियर का सामना करते हो जब आपने मेहनत तो पूरी कर ली फिर भी आपको चीज नहीं मिली अब जो नहीं मानता वो कहेगा हो गया मेरा काम अब क्या बचा उसकी उम्मीद खत्म क्योंकि वो तो और किसी को मानता ही नहीं है ना वो तो कहेगा मैंने जितना करना था कर लिया अब खत्म अब मेरी जिंदगी खत्म काम खत्म जो भी हुआ अगर इसके बाद भी नहीं हो सकता मैं और क्या करूं तो उसके पास उम्मीद ही नहीं बची कुछ भी आगे बढ़ने की उठने की और शायद हो सकता उस वक्त वो गलत रास्ते भी अपना सकता है क्योंकि तो उसकी उम्मीद व्यक्ति की उम्मीद जब खत्म हो जाती है तो सब खत्म हो जाता है।, है।, है यही दूसरी तरफ जो मानता है वो कहता है कि मेरा काम तो खत्म और उसका काम शुरू तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं कभी हार नहीं मान सकती मैं मुझे कभी कोई हरा नहीं सकता क्यों क्यूँकी जब आपको पता होता है आपके पीछे कौन खड़ा है जैसे hmm. एक बच्चे के साथ अगर आप हो तो उस वक्त ना आपका बच्चा डरेगा नहीं hmm. चाहे वो अगर कोई इसको गोली करने भी आ रहा हो उसको पता है मेरे माँ बाप खड़े हैं अच्छे से जवाब दे देंगे अकेला शायद वो डरे उसको लगे कौन जवाब देगा या मैं लड़ पाऊंगा कि नहीं जब आप खड़े तो आपके पास तो इतनी बड़ी पावर है भगवान खड़ा है आपके पीछे मैं हूँ चल ना जैसे होगा देख लेंगे साथ में तो जब आप ये थॉट लेकर चलते हो ना तो आप हारते नहीं हो मैंने रणवीर के शोमेगा मुझे कोई नहीं हरा सकता मैं तो जो चाहे दुनिया में कर सकती हूँ काम ही यही है कि हारना नहीं चाहिए तो आप मैं फेलियर्स को हार नहीं देखती वो तो मैं देखती हूँ मेरा काम ठीक से नहीं हो रहा है मुझे कुछ सिखाने की कोशिश हो रही है अब शायद मुझे दूसरे तरीके से काम करना चाहिए वो है हारी नहीं हूँ मैं यही आप मुझे ये नहीं बोल सकते कि एक फेलियर है वो तो मैं हुई नहीं क्योंकि जो भगवान को मानता वो ही नहीं सकता कभी तो ये thought आपके अंदर इतना पावर लेके आता है ये उम्मीद आपके अंदर इतनी शक्ति लेकर आती है कि आप गिरने गए तो फिर आप उधर फिर चलेंगे कोई बात नहीं क्योंकि हाँ फेथ है आपका yes. किसी के पास बस तो ये मैं कहती हूँ यही डिफरेंस है तो भगवान को मानना नहीं मानना भगवान के लिए अच्छा बुरा नहीं है तुम्हारे लिए उनको तो फर्क नहीं पड़ता रमेश वहां इलेक्शन नहीं होते बहुत संतुष्ट भगवान ही रहेंगे आप मानो नहीं मानो वो ही भगवान है ये हमारा अच्छा बुरा है हम आगे जाके अगर हार माने कुछ भी करें हम कितने रहते हैं वो रिचुअल्स आपको बहुत हेल्प करते हैं और ये प्रूवन फैक्ट है कि जो एथीस थे जब वो वापस भगवान को मानने लगे रिचुअल्स में आए उनके लाइफ में जो ड्रास्टिक चेंज आया है मेंटली बाहरी चेंज नहीं होता भगवान की भक्ति ये पक्की बात है क्या बाहर से सिर्फ चेंज ले आओगे और आप कहोगे गीता जी में अर्जुन को जब ज्ञान दिया गया था तो गीता के ज्ञान के बाद भी वो लड़ाई कर रहा था उसके बाद भी वो राजा बना था उसके बाद भी उसने लग्जरी नहीं छोड़ी थी अपनी उसका चेंज इंटरनली आया था जो आया तो आपको लग सकता है क्योंकि भगवान ने तो एक बार भी जो लोग सोचे भक्ति मतलब सब छोड़ देना पैसा नहीं कमाना सिंपल लाइफ जीना अर्जुन ने तो नहीं जी जिसको दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान दिया गया सही कहा। और भगवान ने तो एक बार भी उसे नीका युद्ध मत लड़ राज्य छोड़ दे धन छोड़ दे पैसे छोड़ दे कुछ भी नहीं बोला उनको बोला कर्म नहीं छोड़ना बाकी चीजें तो बाई प्रोडक्ट है वो तो मिलती ही है सबको लेकिन कर्म अपने अच्छे रखना आपका जो धर्म है जैसे अगर आपका काम कॉमेडी है तो आप आज आप लोगों को खुश करें आपका मेन आई थिंक सिर्फ कॉमेडी भी नहीं है आपने कहा कि आप कुछ बोले और लोग खुश हो वो आपका मेन उद्देश्य है आपका उद्देश्य बाकी चीजें नहीं है यही पैसा है मुझे तो एक काम करना है भगवान उन्हें बाकी चीजें मैं लगा दूंगा साथ में फिर नाम पैसा धन दौलत सब कुछ मिल जाएगा यानी जब आपका काम ही है कि नहीं मुझे सिर्फ पैसे कमाने हैं तब आप गलत रास्ता भी अपना सकते हो क्योंकि आपका मोटिव तो सिर्फ पैसा है और कोई कर्म है ही नहीं कि मोटिव नहीं अच्छा काम है ये चीज है ये दुनिया में लाना ये ही नहीं तो पैसा जहाँ से आएगा वहाँ से ले लेंगे राइट right. तो गीता जी में पैसा नहीं छोड़ने को कहा कर्म इंटेंशन अच्छे रखो अपने आप आपको सब कुछ मिल जाएगा तो ये भगवान को मानना होता है माथा टेकते घर से निकलते वक्त आते वक्त मानते भी है वो आरती वारती क्योंकि निकलना होता है ना घर से तो कभी कभी हम दोनों डरते कि अब तो हमारा बच्चा है हम भगवान का नाम ही लेते तो कैसा ये है वो लेकिन आपने बहुत संतुष्ट कर दिया कि कर्म अच्छे करो वो तुम्हारे साथ है वो ये नहीं कहता कि मंदिर में घंटी बजाओ आप या ये करो क्योंकि तो तुम अगर काम कर रहे हो और तुम्हारा इंटेंशन सही है ना दूसरों को हट नहीं कर रहे तो तुम भगवान को कुछ तो मैं तो मैं भी नहीं कर पाती पूजा पाठ रेगुलरली पर मैं कहती मेरी मालाएं चलती है क्योंकि मेरा वो मेडिटेशन है हाँ। तो जब आप मैं हमेशा कहती हूँ कि देखिए आप कर में लेकिन भगवान को लेकर जैसे आप भजन चला देते हो सकता है उस वक्त तक दर्जा की काम कर रहे हैं पर आपका बच्चा देख रहा है ना मेरे घर में चल रहा है Yes. मतलब ये एक एक रूटीन हो चुका है तो मैं मैं तो हमेशा जैसे हम काम कर रहे हैं अब अगर मैं आपको काम के बीच बोलूंगी कि कथा है मेरी आप आइएगा सात दिन शायद ही कोई सात दिन आता है वो सोचेगा संडे के दिन कोशिश करेंगे जिनकी दुकाने होगी होगी तो मैं कहती हूँ कि आप सात दिन नहीं निकाल पाए जिंदगी में से यही मैं आपको बोल घर में किसी की शादी है आप दस दिन दुकान बंद करके जाएंगे पंद्रह दिन क्योंकि तो कपड़े बच्चा तो... नहीं देख रहा आपको yes अब वो बच्चा क्या बोलेगा कि मतलब ये इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट नहीं hmm. वो अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं करूंगा नहीं मिला तो मैं नहीं करूंगा तो कई बार मैं एग्जैक्टली exactly ये नहीं कहती कि अब सिर्फ मंदिर ही जाना लेकिन एक रूटीन बनाना चाहे वो शर्जन चलाने का रूटीन है चाहे वो माला करने का रूटीन है तो एक रूटीन बनाना कि जैसे तुम सात दिन में ये ही कर रहे हो ना हर चीज इम्पोर्टेंट स्कूल इम्पोर्टेंट है ट्यूशन इम्पोर्टेंट ये भी इंपॉर्टेंट है ये छूटना नहीं चाहिए क्योंकि वो उसके अंदर एक पेट रोजाना उसका एक रूटीन पैदा करेगा और जब उससे उसको बदलाव नजर आने लगेगा ना तब वो अपने मन से कर शुरुआती में वो करवाना पड़ता है फिर वो मन से कर अब मैं मन से करती हूँ शुरुआती में मुझे पढ़ाया गया हनुमान चालीसा कराई गई भजन हम साथ बैठ के करते थे अब कई बार होता था लोग खेल रहे और हमारे घर में तो रूटीन है कि इतने बजे तो बैठना ही है मुझे लगता कि क्या मुझे खेलने जाना है तो मुझे ऐसा लगता था मुझे जाने दो ना सब खेल रहे बोले नहीं दस मिनट लगते हैं बैठ के हनुमान चालीसा करूँ पर अब मेरे लिए वो इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि मुझे ऐसा लगता है कि सुबह उठ के भगवान का नाम लेना मेरे पूरे दिन को अच्छा करता सोने से पहले वापस भगवान का नाम लेना मुझे दूसरे दिन खुशी से उठाने के लिए काफ़ी होती तो उन्होंने मुझे सिखाया दुनिया भी जरूरी है और भगवान भी इक्वली जरूरी है तुम्हारे लिए लिए तो आज वो बैलेंस बनाना मेरे लिए काफी इजी हो चुका है है कि अब मैं जानती मुझे कहां काम को भी एक रोक लगा देनी है, या मटीर लाइफ को भी एक रोक लगा देनी है या अब मुझे लगा नहीं नहीं मुझे थोड़ा एंटरटेनमेंट या घूमना फिरना है मुझे बैलेंस करना आता है कि तो वो बचपन में उनकी वजह से हुआ कि उन्होंने मुझे बचपन से उस वक्त मुझे बड़ी दिक्कत आई मैं आज भी कहती हूँ कुछ ही दिन पहले घर पे पापा से मैं बात कर रही थी और हम जब मैंने श्रीमद् भागवत पहली बार ट्राई की थी तो बहुत अचानक हुई थी मैंने सोचा था मैं ट्वेल्व के बाद कोशिश करूँगी पूरा प्रिपेयर करने की क्योंकि तीन दिन की कथा में मुझे प्रिपेयर करने में डेढ़ साल लगे थे तो मुझे लगा सात दिन बहुत बड़ी चीज़ है और प्लस ये तो एक स्क्रिप्चर है आपका पूरा एक महापुराण है श्रीमद् भागवत तो मैंने बोला ये तो पापा ट्वेल्थ के बाद करेंगे बोर्ड्स खत्म करते हैं और पता नहीं जैसे भगवान को ही कराना था तो हम जिस मंदिर में बहुत पूछते हैं तो पापा वहीं गए हुए थे और जिन्होंने कथा कराई थी उन्होंने वहीं मानो कुशुन का दिया कि आपको कसम है आपको अक्टूबर में ही करनी पड़ेगी अब एक तो ऐसा लगता है ना एक तो मंदिर जहाँ हम बचपन से आ रहे हैं ये कुछ बोल रहा है मतलब तो शायद तो पापा आ गए बोला तो बेटा अक्टूबर में करनी पड़ेगी बोला क्या बोल रहे हो मेरे बोर्ड है पापा बोले मैं हूँ साथ में मिल के करेंगे अपने और ये बात उन्होंने शायद मुझे मार्च में बताई होगी और मैं अभी तक कहती हूँ कि मुझे इतने साल हो गए पर वो एक साल मेरी जिंदगी का सबसे कठिन समय था बोर्ड भी है हाँ मैंने इतनी मेहनत लाइफ में कभी नहीं की जितनी मैंने उस एक साल में करी थी और मेंटली तो मुझे अभी रात रात को जगने की आदत है, है? मुझे क्यों क्योंकि उस वक्त मेरे पास सिर्फ रात का समय होता था भागवत जी पढ़ने का पूरा दिन मेरी स्कूल मेरे प्रोजेक्ट्स मेरे ट्यूशन क्योंकि अब तो कॉमर्स स्टूडेंट थी मैं अकाउंट्स है इकोनॉमिक्स है इसकी पढ़ाईया ही चल रही है जो कुछ भी पढ़ नहीं पड़ता था और पर कॉमर्स ले लिया था तो करना पड़ रहा था और रात को दस साढ़े दस बजे आप खत्म करते थे फिर आप कहते थे अब लाइए भागवत जी अब मैं तो वो वो मैं कम से कम दो ढाई बजे तक करती थी फिर मैं सोती थी और सुबह साढ़े छः बजे फिर आप स्कूल के लिए उठ रहे तो वो समय लेकिन अब ऐसा दिमाग हो गया अब मेरा दिमाग ही रात को चलता है अगर <laughs> मुझे कुछ अच्छा लिखना है मुझे कुछ अच्छा बनाना है तो वो दिमाग ही मेरा उस वक्त चलता है बट जो भी तो मैं हमेशा कहती हूँ लेकिन वो समय ने आज मैं हूँ जो मुझे बना दिया